हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 7, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वी विल डिस्कस एंड इन दिस चैप्टर वी हैव सीन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर, द अकरेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, व्हाट आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वी हैव सीन इट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In chapter structure of matter, we will discuss electronic configuration. So first of all, electronic configuration is what? Electronic configuration means to location of electrons inside the atom. Location of electron inside the atom. We know that electrons, protons and neutrons are present in the atom. Electrons are present in different orbit of the atom. And proton and neutron are present in the nucleus of an atom. So, first of all, here atomic number Z, then after symbol of element, and here configuration. Electronic configuration. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and at 10th position, neon. Now we will see electronic configuration. Hydrogen, actually atomic number denotes its number of electrons present inside the atom. Here, atomic number of hydrogen is 1, it means that it has only 1 electron. Hydrogen ka atomic number 1 hai, iska matlab ye hua ki isme kitne electrons hai? Ek hi hai. So, electronic configuration kya hoga? First, 1. Hum log ye bhi jante hai ki atom mein different orbits hota hai. First orbit, second orbit, third orbit, etc. So on. And isi different orbit mein electrons present hote hai. इसी डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर काटते रहता है गोल गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, देन आपका सेकंड में एंड देन आपका थर्ड में। फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना पुट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2, देन आफ्टर 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऑर्बिट में डालते हैं वो फॉर्मूला वैसे 12 स्क्वायर है, बट हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ पे तो सर एक ही ऑर्बिट है, आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे तो सर केवल एक ही ऑर्बिट होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था हाइड्रोजन में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में कितना होगा? 2। सो वी विल राइट हियर एज 2। लेकिन लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 3। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्टली 3 नहीं पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में कितना रह सकता है? 2। एंड देन आफ्टर यहाँ पे कवर देखा करके 1 2 1 इस तरह से। देन आफ्टर बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन साइड द बेरिलियम एटम इज व्हाट? 4। सो वी विल राइट हियर एज 2 2। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 एंड नियॉन 2 8। ओके, सो हियर वी कैन सी इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2।
यही इसका फर्स्ट ऑर्बिट है और यही इसका लास्ट ऑर्बिट भी है, क्योंकि हीलियम में केवल एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो ऑर्बिट प्रेजेंट है, पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी दो ऑर्बिट, यहाँ भी दो ऑर्बिट, टू ऑर्बिट, टू ऑर्बिट, टू ऑर्बिट, टू ऑर्बिट है, टू ऑर्बिट्स। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट है। इसमें आउटर मोस्ट में वन ही है, इसमें टू ही है, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट और एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इज टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम इज वन। I am saying valence electron, not valency. I am not talking about valency. I am talking about only what? Valence electron. Here, 1, 2, and valence electron of lithium is what? 1, similarly 2, 3, 4, and so on. Okay? This is what? Electronic configuration of different elements. After this, 10 तक हम लोग आ गए हैं, अभी हम लोग को 20 तक जाना है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and here we will write what? 20. ये चेंज हो जाएगा। सोडियम, सोडियम एक्चुअली सोडियम में आता तो है, सिंबल तो है सोडियम का Na, लेकिन अगर सोडियम स्पेलिंग देखेंगे तो SODIUM। सर SODIUM में तो कहीं Na है ही नहीं, तो ये जो Na आता है ना वो इसके लैटिन नेम से आता है, लैटिन वो क्या है, लैट्रियम, वहाँ से ये सोडियम आया है। कुछ एलिमेंट्स जो है उनका सिंबल, इन लोगों की सिंबल भी पढ़ना था, तो सिंबल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंबल तो हम लोग ऑलरेडी सब एक बार देख लेंगे वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ सिंबल्स जो है वो उसके लैटिन नेम से आते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्टली उसके वर्ड से आया है। एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हम लेते हैं तो CaCl, वहां से CA उठा दिए, वही CA क्या उसका सिंबल हो गया उस एलिमेंट का। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है जिनका जिनके वर्ड से ये सिंबल का कोई मैच नहीं होता, एक्चुअली ये जो सिंबल आते हैं वो उसके लैटिन नेम से आते हैं, नैट्रियम हो गया, ऑरम हो गया, AU, सिल्वर हो गया, आर्जेंटाइन वो एक्सेट्रा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड फाइनली कैल्शियम। पोटेशियम का सिंबल ये है बिकॉज ये कैलियम से आता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ व्हाट? सोडियम, सोडियम हैज एन एटॉमिक नंबर 11, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सोडियम एटम इज 11। सो वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज टू, इन फर्स्ट ऑर्बिट वी विल गिव और पुट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू, देन आफ्टर 8 एंड देन आफ्टर 1, 2, 8, 1, 2 प्लस 8, 10, 10 प्लस 1, 11, सिमिलरली 12, 2, 8, 2, नेक्स्ट 2, 8, 3, एंड हियर 2, 8, 4, फाइनली 2, 8, 5, लेकिन कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी फैक्टर। और हम जो अभी बता रहे थे ऑक्टेट थ्योरी, वो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है तो कोई भी एटम स्टेबल बना जाता है। ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर ये हम लोग 8 से अधिक नहीं दे सकते। 2, 8, 8, 1 एंड हियर 2, 8, 8,
हाउ मच टू, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, ओके, सो वी कैन सी हियर, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 17, 2 प्लस 8 प्लस 7, हाउ मच 17, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, 7, ओके, तो हमें ये एटॉमिक नंबर सीरियली याद होना चाहिए, उनका सिंबल ऐसे हमें सीरियली याद होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना, वो हमें ड्रॉ करते आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन को हम याद नहीं करते, मतलब पॉसिबल नहीं है याद करना, हमें याद क्या करना है 1 to 20 एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट का सिंबल। और सर ये क्यों याद करेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग वैलेंसी फाइंड करेंगे, हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने आएगा ना, तभी हम लोग वैलेंसी फाइंड कर पाएंगे और फॉर्मूला बनाएंगे, वैलेंसी आएगा तो फॉर्मूला आएगा बनाने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वैलेंसी, वैलेंसी, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो मैं वैलेंसी का डेफिनेशन लिख रहा हूं ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ये मेंशन जरूर किया हुआ है कि हमें जो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वैलेंसी का वो हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत ही ना हो। आपके बुक में जो वैलेंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है वो हाइड्रोजन के टर्म्स में है, बिल्कुल सिंपल, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड और डिस्प्लेस्ड बाय एनी अदर एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वो हाइड्रोजन के बेसिस पे दिया हुआ है, हमको उससे काम नहीं चलेगा, हमें ठीक ठाक डेफिनेशन चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट, डुप्लेट मीन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब तुम पूछोगे कि सर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में अगर आएगा तो क्लियर कर दिया जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देना है डेफिनेशन या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना है, वैलेंसी का डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना, अगर इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन रहेगा लिखा हुआ, हाइड्रोजन के टर्म्स में आपको वैलेंसी को डिफाइन करना है तो आप टू प्लस सेम टू सेम छापेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे रहेगा तो ये आए या ना आए लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला इससे बनाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। एज फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, लाइट मेटल, हल्का मेटल है, डेंसिटी कम होती है सोडियम की, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर को हम याद लिखते हैं, यू विल राइट एटॉमिक नंबर हियर इन लेफ्ट इन द बॉटम, सोडियम 11 एन एच सोडियम, एंड इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी, हमने देखा था 2 8 1, एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं हम इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, मीन्स सोडियम एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड थर्ड ऑर्बिट जो कि हमारा सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट वी डॉट ई,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट हमें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, हमें यहाँ पे वैलेंस ही चाहिए था। अब देखो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। क्यों चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसके आउटर मोस्ट में 8 रहता तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन अभी तो ये स्टेबल उतना है नहीं, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। अभी दो केस था यहाँ पे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता तो इसका यहाँ पे 8 हो जाता, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये दे लेता तो इसके पास में कितने हो जाते, तो 8 हो जाते, या ये क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसी को ये क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वाली उसकी क्या हो गई? वैलेंस ही हो गई। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड और गेन बाय एनी एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये हो गया। तो ये वन इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया, देयरफॉर इट्स वैलेंसी विल बी व्हाट? वैलेंसी विल बी 1। सिमिलरली अगर यहां पे 2 रहता तो वैलेंसी कितनी हो जाती? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 और वैलेंसी भी कितनी हो जाती? 2 हो जाती है। अभी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी भी कितनी है? 1 है। अच्छा, अगर 2 है तो वैलेंसी भी 2। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो ये लूज करेगा या गेन करेगा? या तो इसको 5 गेन करना पड़ेगा, नहीं तो तीनों का तीनों लूज कर दे। अगर तीनों लूज कर देगा तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8, 3 तो लूज कर चुका है, तो उस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 एंड वैलेंसी भी 3 ही होगी, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? लूज करना चाहेगा। लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, इफ इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देन व्हाट विल बी वैलेंसी? तो यहाँ पे तो दोनों केस संभव है कि वो लूज भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है, लेकिन आइदर इन बोथ ऑफ द केसेस उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। अभी वो लूज करेगा या गेन करेगा, यहाँ पे हम लोग 4 वाले इसलिए हम लोग को टेंस में पढ़ना है। अभी हम लोग को ये जानना है कि या तो वो लूज भी करे या गेन भी करे तो भी उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। सो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वैलेंसी भी 4 होगी। सिमिलरली अब 4 से हम लोग अधिक में आते हैं, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है किसी भी एटम का, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो या तो वो 3 को गेन करेगा, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, नहीं तो वो 5 का लूज करेगा। अब दोनों में ज्यादा इजी कौन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 5 एंड 3 ले लिया, अब उसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 1। सो उस केस में वो गेन किया है, गेन करे या लूज करे वही तो उसकी वैलेंसी होती है। 3 गेन किया इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। एक लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब हमें गेस करके बताओ कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में कितने ऑर्बिट रहे? 3 रहे, वो कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 3। वो कौन सा एलिमेंट है? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट में 3 तो तब रहेगा जब उसका पहले वाला भरा होगा, तो पहले वाले में 2 होगा, दूसरे वाले में कितना होगा? 8 होगा, तो 2 एंड 8 10, और उसके बाद में फिर 3, तो 2 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया? 13। 13 पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। 13 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2 8 एंड 3। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दैट इज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है। हाउएवर ये 3 है तो ये 3 तो लूज कर देगा ना, गेन करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। तो एल्युमिनियम तो एक मेटल है, अब एक नॉन मेटल लेके देखते हैं। फॉस्फोरस, इफ यू टेक फॉस्फोरस कितना पे है? 15 पे। इसका मतलब कॉन्फिगरेशन 2 8 एंड 5, 2 8 एंड 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हियर कितना? 5। यहां पर बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी ये 3 गेन करेगा कहीं से, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या आ जाएगी? 3। नाउ अगर इसके आउटर मोस्ट में 6 रहता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और अगर किसी एटम के और एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 0, क्योंकि 8 है ही। अब वो ना ही वो लूज करेगा और ना ही वो क्या करेगा, गेन करेगा। इफ देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, देन इट विल नाइदर लूज और गेन एनी इलेक्ट्रॉन्स। ना ही वो लूज करेगा ना ही वो गेन करेगा अगर उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है। तो क्या हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स था? देखते हैं, तो अगर 8 आउटर में रहेगा तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8, पहले में 2 और सेकंड वाले में कितना, 8, 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10। 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियॉन, सिंबल इज Ne, यहां पे कितना इसका 10। ऐसे कंटिन्यूअसली आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से। नियॉन 10 पे है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2। वी कैन सी हियर दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन इज 8, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज व्हाट, 0। If we take example of helium, कितना, helium, atomic number 2, its electronic configuration will be 2, तो जैसे इसके electronic configuration 2 होता है। अब ये hydrogen and helium चाहता है कि उसके outer most orbit में कितना electron present रहे, 2 present रहे, तो 2 तो इसका है ही helium के, इसीलिए इसकी रिवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। सर ये क्यों नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये 8 क्यों नहीं चाहता, क्योंकि helium नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही है। अगर यहाँ पे 8 कर देंगे तो उसके लिए हमको सेकंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, एक ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये फिक्स है, तो फिर तो हमको सेकंड में जाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हीलियम में कितना है, 2 ही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑर्बिट तक ही जाएगा। तो अब जो उससे हम लोग अधिक दे नहीं सकते और उससे निकाल भी नहीं सकते, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम डुप्लेट पूरा करना चाहता है, बाकी अदर एटम्स जो है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, अगर इसका हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाता, 2। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इवेल्युएट किया है क्या, वैलेंसी, तो वैलेंसी निकालने हमें आ गया। अब इसी वैलेंसी के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला बनाने से पहले, बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स और एनी एलिमेंट्स सब्सटेंसेस, वी शुड नो द वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। व्हाट रेडिकल्स, अब सर ये रेडिकल क्या है, बात करते हैं, इन योर बुक आई थिंक टेबल नंबर 3.4 और 3.2, ये दोनों 3.2 या 3.2 ही ऐसा है, उस टेबल में आपको रेडिकल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप और यहाँ पे उसका सिंबल, लेकिन हमें वैसे नहीं याद करना, बुक में केवल ग्रुप लिखा हुआ है और उसका सिंबल लिखा हुआ है, हम उसको रेडिकल के रूप में याद करेंगे, रेडिकल का फॉर्म याद करेंगे, ताकि तुम्हें उससे साथ साथ उसका वैलेंसी भी याद होता चला जाए, एक ही काम को दो बार नहीं करूंगा। रेडिकल्स एंड सिंबल, और यहां पे हो उसका क्या वैलेंसी। सबसे पहले रेडिकल होता क्या है, तो एटम रेडिकल्स होता क्या है, रेडिकल कहो या आयन कहो, आयन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आयन वर्ड हम लोग यूज करते हैं कोई एटम पे जो चार्ज होता है ना उसके लिए, आइदर वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे Na+ कहीं पे लिखा हुआ है, Na+ इसका मतलब कि वो सोडियम आयन है, सिमिलरली अगर Mg+2 है तो मैग्नेशियम आयन है, तो आयन का मतलब होता है क्या, चार्ज, एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट, ये हो गया आयन। लेकिन रेडिकल क्या है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स
ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ये है रेडिकल। तो रेडिकल और आयन में बस इतना ही डिफरेंस है, ये सिंपल एक एटम पे, सिंपल ये एक एटम पे कोई चार्ज होता है, और रेडिकल में क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब उसमें दो तीन एटम्स होते हैं उसके ऊपर में फाइनल चार्ज लिखा हुआ होता है, ये है हमारा रेडिकल, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें सोडियम आयन का तो Na+ हो गया सोडियम आयन, लेकिन अगर हम रेडिकल का बात करते हैं तो कार्बोनेट आयन, क्या याद करेंगे हम लोग, कार्बोनेट आयन या कार्बोनेट रेडिकल, आयन नहीं कहेंगे कार्बोनेट रेडिकल, कार्बोनेट इसका सिंबल होता है CO3 और इस पे चार्ज कितना होता है CO3 पे -2, और अच्छा ठीक है कार्बोनेट आयन हो गया, हम कार्बोनेट आयन या रेडिकल नहीं लिख रहे क्योंकि हमने ऊपर में लिख दिया है आयन या रेडिकल, यहाँ पे आयन नहीं कर सकते क्योंकि हम जब भी पढ़ने जा रहे हैं इसमें देखो कितना एटम है, कार्बन का एक एटम, इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, और ऑक्सीजन का कितना एटम है 3, तो 3 और यहाँ पे कितना 1, 4 एटम्स हो गए, इस फॉर्मूला में कितने एटम्स हो गए 4, इसीलिए हम इसको आयन नहीं कर सकते, इसको हम लोग रेडिकल कहेंगे क्योंकि चार को एटम है, चार एटम का एक ग्रुप है और उसके ऊपर में कुछ चार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे रेडिकल बोलेंगे। लेकिन अगर केवल ऐसे रहता कहीं पे लिखा हुआ Na सोडियम और उसके ऊपर में ऐसे प्लस रहता तब हम लोग इसको बोलते सोडियम आयन, बिकॉज यहाँ पे केवल एक एटम है कौन सोडियम और उसके ऊपर में कुछ चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो ये मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, हमें देखना है कि एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पे तीन चार चार एटम है यहाँ पे बॉन्ड और उसके ऊपर में कुछ चार्ज है, इसीलिए हम लोग इसको रेडिकल बोलेंगे कार्बोनेट रेडिकल। लेकिन बहुत लोग कार्बोनेट आयन भी बोल देते हैं, कार्बोनेट सल्फेट, सल्फेट फॉर्मूला इसको -2, यहाँ पर फॉर्मूला कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट अमोनियम आयन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH-1, एक माइनस इसलिए माइनस वन बोल देते हैं, फॉस्फेट PO4-3 एंड अमोनियम NH4 एंड कितना +1, एक प्लस दे दिया हमारा एक, यहाँ पे हो गया फॉर्मूला अलग अलग करके ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये हो गया सल्फेट का, ये हो गया हाइड्रोक्साइड का, और ये वाला हो गया फॉस्फेट का, ये वाला हो गया अमोनियम का। इसमें कुछ और भी आएंगे जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे आगे जाएगा, आपके जो टेबल आपको है बुक में दिया हुआ टेबल नंबर 3.2 आपको उसको याद करना है, लेकिन उस बुक में ये चार्ज में दिया हुआ है, आप पेंसिल से चाहे तो वहां पे ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर में -2 -2। सर ऐसा करने से क्या फायदा, तो नाउ किसी भी रेडिकल पे जितना चार्ज होता है आइदर वो चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वही उसका वैलेंसी कहलाता है। जैसे कार्बोनेट रेडिकल के ऊपर में चार्ज कितना है -2, चार्ज कितना है -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। हमें पॉजिटिव लेना है, वैलेंसी हमें हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2, हाइड्रोक्साइड 1 तो -1 है यहाँ पे -1 इसीलिए इसकी वैलेंसी 1, फॉस्फेट का 3 एंड अमोनियम आयन का कितना 1, ये उसका बैलेंसी है। बैलेंसी कैसे याद करेंगे तो इस चार्ज से, तो हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ ना उसका चार्ज भी याद करना है, फॉर्मूला के साथ साथ चार्ज, कार्बोनेट आयन सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन फॉस्फेट आयन अमोनियम आयन एक्सेट्रा, नाइट्रेट आयन भी होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट इसका फॉर्मूला है NO3-1, NO3-1 और इसकी वैलेंसी इसीलिए कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये है रेडिकल सिंबल एंड वैलेंसी।
तो हमें वैलेंसी तो कैलकुलेट करना आ गया। ये जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स की वैलेंसी हमें सेम टू सेम ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ये चार्ट हमें याद करना पड़ेगा, ये टेबल हमें याद करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालना सीखा थोड़ा देर पहले 1 to 20 तक का, वो हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एक्चुअली विदाउट वैलेंसी हम लोग फॉर्मूला नहीं बना सकते। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी मेक अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ओके, थैंक यू।